वेलकम डियर स्टूडेंट्स, इन जेटेक फैमिली के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है और मैं राहुल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे, जो आपका रिजल्ट वो अनाउंस हो चुका है, आप सभी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो किस तरह से आपको अपना रिजल्ट देखना है उसके बारे में आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आपने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको इसी तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। साथ में लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे जो इसका रिजल्ट वो अनाउंस हो चुका है, लेकिन अभी भी आप अपना रिजल्ट उसके लिए क्लिक नहीं कर पा रहे। मैंने काफ़ी बार इसको ट्राई किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है CSAB 2018 स्पेशल राउंड फर्स्ट सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन 28 जुलाई 2018 10 PM। तो आपको यहाँ पे रिजल्ट तो शो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे बार बार में तो यहाँ पे पेज यहीं पर रिफ्रेश हो रहा है। मैंने काफ़ी बार ट्राई किया, अभी तक इनका कोई आगे प्रोसेसिंग नहीं हो रही। तो जैसे ही कुछ प्रोसेसिंग हो रही है आप बार बार में यहाँ पे अपने ट्राई करते रहिए, थोड़ी देर में आपका रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाएगा। अभी हमारा 10 बजे ही रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है, मतलब 28 तारीख आज 10 बजे सुबह ही इसका रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है। तो थोड़ी देर बाद ये शायद अपडेट कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपना रोल नंबर और जो आपका पासवर्ड है वो दोनों चीज़ें एंटर करके आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा। फिर वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है, कौन सा कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको दो तीन चीज़ें और करनी पड़ेगी। काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स है तो उसके बारे में एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ आपके कौन कौन से डाउट्स हैं, मैं उनके बारे में नेक्स्ट वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। एक तो स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है रिफंड के चक्कर, रिफंड के लिए लेके, ठीक है, रिफंड के बारे में आपको बता दूंगा। और जो आपकी जो फीस एडजस्ट होगी, जो आपकी फ़ीस एडजस्ट होगी वो, और साथ में आपको जो सीट अलॉटमेंट फ़ीस देनी होगी भी, आपको जो दोबारा से 35,000 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ में आपके कुछ और डाउट्स भी है वो भी मैं आपके क्लियर कर दूंगा, जिसके अंदर स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि भी हमें ऑनलाइन जो सीट अलॉटमेंट करना है, रिपोर्टिंग करना है, उसके बारे में भी काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे। तो उन सभी के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। बाकी आप सभी से यही गुजारिश है कि भी आप इस पर बार बार क्लिक करते रहिए। जैसे इस पर रिजल्ट ना आपका अगर क्लिक हो जाता है, आपका अंदर आएगा, तो उसके अंदर आपको अपना पासवर्ड और अपनी जो रोल नंबर है एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना जो रिजल्ट है वो शो हो जाएगा। बस इसके पास इतना ही है, आपको और कुछ नहीं करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आप सभी के लिए एक पूरी अच्छी वीडियो बना के लेके आऊँगा, जिसके अंदर आपके जितने भी डाउट्स आपके क्लियर हो जाएँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।